सपा के कद्दावर नेता और विधायक की जाने के बाद रामपुर के पूर्व विधायक बने आजम खान की मुश्किलें आजकल बड़ी हुई हैं। ऐसे में अब आजम खान को लेकर अभिनेत्री और कई बार रामपुर से चुनाव लड़ चुकी जयप्रदा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जयप्रदा ने आजम खान को आईना दिखाते हुए कह डाला है कि जो लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं, उनके लिए मिसाल है आजम खान। जो लोग जैसा बोते हैं उन्हें वैसा ही काटना पड़ता है। मैडम जी, आजम खान के पूरे दिन चल रहे हैं, क्या मानती हैं कि एक औरत की बदुआ उन्हें लग गई है? करने दीजिए, अरे रुक जाइए ना, अरे मैडम से जुड़ा हुआ मामला तो पूछ रहा है। प्रोग्राम के लिए आई है। अच्छा, देखिए जो भी है, राजनीति हो या इंसान को, दूसरे इंसान को सम्मान करना, खासतौर महिलाओं को सम्मान करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर अभद्र शब्द इस्तेमाल करें या दूसरों को दूषित करें तो ये लोगों के लिए एक मिसाल है कि जो आजम के साथ हो रही है, जो बोते हैं तो उनको काटना भी होता है। बता दें कि जयप्रदा और रीता बहुगुणा जोशी शनिवार को वाराणसी में एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंची थी, जहां दोनों नेताओं ने वाराणसी में तेजस्विनी फाउंडेशन की ओर से फैशन शो और लाइफस्टाइल एग्जीबिशन का शुभारंभ किया था। इसके साथ ही संस्था द्वारा किए जा रहे कामों के बारे में जयप्रदा ने यहाँ पर बात रखी। वाराणसी में मैं बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन किया मैंने कल, और भव्य दर्शन होने के बाद आज वाराणसी में जो आयोजन किया गया उसमें मैं शामिल हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे साथ साथ हमारी दीदी रीता बहुगुणा जी भी साथ में आई हैं, और रश्मि रॉय जी को मैं बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि तेजस्विनी संस्था जो ज़रूरतमंद लोगों को उनका हाथ थाम कर उनको जो सोसाइटी में उनको बल देने के लिए और उनके अपने परिचय देने के लिए वो पूरी कोशिश करते हैं, और जो गरीब से गरीब बालिका जो भी शादी होती है उनके लिए उसके सुविधाएं नहीं मिल पाती है, तो ये संस्था उन बच्चों के लिए भी समर्थन करती है। तो आज आत्मनिर्भर भारत के लिए जो मोदी जी ने इस तरह के जो हमारे लिए एक रास्ता दिखाया है, तो मैं महिलाओं को, सभी को, जो मीनू जी हो या मीना हो, पूजा जी हो, इस तरह के जो इस संस्था के जितने लोग हैं, सारे महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं हम किसी पुरुष से कम नहीं है, और वो आगे बढ़ते हुए इस समाज को बल देने के लिए, मजबूत करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उनको मैं बधाई देना चाहती हूँ। बता दें कि रामपुर से जयप्रदा समाजवादी पार्टी की तरफ से दो बार सांसद बन चुकी हैं। 2004 और 2009 का ही वो चुनाव था जब जयप्रदा रामपुर से लोकसभा का चुनाव जीती थी। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में जयप्रदा ने भाजपा के टिकट पर रामपुर से चुनाव लड़ा था, जिसमें आजम खान को जीत मिली थी। 2019 लोकसभा चुनाव ही वो चुनाव था जिसके बाद आजम खान और जयप्रदा की खूब सियासी अदावत देखने को मिली थी। फिलहाल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान विवादित टिप्पणी मामले में ही आजम खान को 3 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है, जिसके बाद से उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। वाराणसी से ब्रजेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।